शिवपुरी में 23 अप्रैल 2022 को हरभजन की हत्या करने वाले आरोपी वृंदावन लोधी और मोहन गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं और राजीनामा करने वाले साक्षियों को गवाही न देने पर लगातार दबाव बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रामप्रसाद बघेल पुत्र पप्पूलाल बघेल निवासी ग्राम भड़ौता तहसील कोलारस ने बताया कि मेरे बेटे हरभजन की हत्या वृंदावन लोधी व मोहन गिरी ने की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब जमानत पर वो बाहर आ गए हैं। आए दिन राजीनामा करने और साक्षियों को गवाही ना देने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। क्या नाम है आपने? जानकी पाल बघेल। कहाँ से आए? बड़ौता से। मेरे लड़के काम करवे जाता खरे भाई बंटी की दुकान पर कोलारस खरे भाई मोहन वृंदावन के दोनों के साथ में ही काम करता, तो खरे भाई बंटी ने चोरी पकड़ी तो मेरे मोड़ा से रंजस भारी चल गई थी। मोहन ने वृंदावन ने ही बोल दी थी कि तुझे एक महीने में मार के ही फेंक देंगे, तो मेरे लड़के को चक के भड़ौता की रास्ता में शाम को 9 बजे मार के और फांसी सूखी लकड़ी से लगा दही लगा दिया और सूखी लकड़ी से मार के टांग दिया। वे छूट गया तो मेरे घर पे आके कभी कभार मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं खेती करने करने देती है, ये लड़का है छोटा तो मेरे मोड़े को मजबूरी कर भी नहीं जान देता। हम सरकार से मोहर लगाते हैं। हम सरकार से मोहर लगाते हैं।